हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले एक ऑर्गेनाइज़र पेपर्स के लिए, क्योंकि जो पेपर वर्क करते हैं या बच्चे भी करते हैं तो पेपर अनऑर्गेनाइज होते हैं, उसकी वजह से हमारे पास मटेरियल होते भी हमें लगता है कि नहीं है और हम उसे छूने से भी डरते हैं कि बहुत मैसी है। अब आप जैसे कि देख रहे हैं कि मैं कटिंग्स भी रख लेती हूँ जो बाद में काम आती है, बट वो बिल्कुल अनऑर्गेनाइज था। तो आज हम ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे, बहुत अच्छा है। इसके लिए मैंने बॉक्स फाइल लिया है, आने वाली वीडियो में सिंपल फाइल का ही बताऊंगी। और ये टोटली वेस्ट ही है, और ये मेरे पास एक पुराना कपड़ा था वो ले लिया, लेस ले लिया, बट इसके जिनके अंदर हम ऑर्गेनाइज करेंगे वो मैंने लीफ लिए हैं, इनको लीफ बोलते हैं। आप स्टेशनरी पर जाएंगे तो ये आपको ईजिली मिल जाएंगी। ये 3-4 वेराइटी में थी, 2 रुपये के में रेट में थी, 3 की थी है, ये 4 रुपीज़ की है। इसका जो आप जो सेलोफिन प्लास्टिक देख रहे हैं वो अच्छा है, थोड़ा स्टिफ है, और वो जो 2 रुपये या 3 रुपये थी वो थोड़ा सा मतलब ड्यूरेबल नहीं था, ये अच्छा है। तो फिर मुझे ये कपड़ा पसंद नहीं आया तो मैंने दूसरे प्रिंट का ले लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे प्रेस करके, ये मेरे सूट का है तो दोनों साइड से देखिए वो मतलब किनारी मुझे बंधी हुई मिल गई। फिर मैंने अपनी फाइल रख के क्रीज बना ली, क्योंकि जो कपड़ा मुझे अंदर फोल्ड करना है वो पहले मैंने प्रेस से क्रीज बना ली। इससे क्या होगा कि ईजिली आप उसको अंदर फोल्ड कर सकेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एजेस पर ग्लू गन लगा रही हूँ जिससे कि हमारी फाइल मूव ना हो, और फिर मैंने कपड़ा फोल्ड कर दिया है ग्लू गन लगाकर। और आप ये ग्लू गन से ही कीजिएगा क्योंकि फेविकॉल से सूखने में बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत उससे बहुत मैसी भी हो जाता है। तो बस देखिए मैंने उसको लगाकर अच्छे से पेस्ट कर दिया है। ऐसे ही मैं इसको चारों तरफ से पेस्ट कर लूँगी, और सेंटर मतलब जो जैसे कि मेरा ये जो मैं इस पर कपड़ा पेस्ट कर रही हूँ ये हील है ना, तो इसके लिए मैं बीच में भी ग्लू गन लगा रही हूँ जिससे कि वो वहाँ पर अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। ये देखिए, और साथ में मैं हाथ से प्रेस करती जा रही हूँ कि कहीं भी कोई रिंकल्स हो तो वो हमारा बाहर आ जाए। बस मैंने साइड्स एक साइड से कर दिया, तो कपड़े को आप खींच कर चढ़ाइएगा जिससे कि उसमें कोई क्रीज ना आए, और आई मीन जैसे कि फिनिशिंग के साथ आपका कपड़ा बहुत अच्छी तरह से उस पर रैप हो जाए। ये मैंने आप चारों तरफ से कर दिया है, आप जैसे कि देख रहे हैं ग्लू गन यूज़ करती जा रही हूँ, मैं ग्लू गन लगाती जा रही हूँ और उसको फाइल पर कपड़े को रैप करती जा रही हूँ। कपड़ा बहुत अच्छी तरह रैप हो गया है, यहाँ से मैंने फोल्ड नहीं किया क्योंकि वो मैंने आपको बताया था ना कि मेरी शर्ट का कपड़ा है तो शर्ट की जो साइड्स होती हैं वो मतलब फोल्ड होती है, तो वही है। बस मैंने उसको डायरेक्ट ऐसे प्रेस कर दिया, और ग्लू गन गर्म थी तो इस वजह से मैं सीजर से दबा दबा कर कपड़े को लगा रही थी। तो आप भी ऐसे कीजिए। फिर मैं फाइल के अंदर भी मैंने कपड़ा लगाया, उसके लिए मैंने उसी का प्रिंटेड कपड़ा लिया। उसके लिए मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल एक साइड से उसको कपड़े को अच्छे से फिक्स कर लिया, फिर दूसरी साइड से लगाया, फिर जो उसमें क्लिप्स हैं जिनके अंदर हम लीफ लगाएंगे तो उनको ऊपर से मैंने ऐसे बस हल्का सा कट देकर थोड़ा सा कपड़ा फाड़ के उनको अंदर कपड़े को अंदर की तरफ एडजस्ट कर दिया। और ऐसी कोई इशू नहीं है कि कपड़ा फट गया है, आप उसको बाद में जब आप कर देंगे ना तो ग्लू गन से आप उसको फिक्स कर देंगे तो बिल्कुल नीट आएगा, बिल्कुल मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कट उसमें अंदर डाला हुआ है। बाद में मैंने नीचे भी ग्लू गन लगा दी थी, ऊपर भी लगा दी थी, और फिर सीजर से उसको दबा दिया था तो वो लग ही नहीं रहा था कि कट डालकर हमने उसको फिक्स किया है, और वो बहुत आराम से हो गया था। बस मैंने यहाँ पर भी ऐसे ही कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया। ये देखिए हमारा फाइल का बहुत अच्छा सा कवर बन गया। फिर मैंने लेस लिया है, आप ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह डेकोरेट करना चाहते हैं। मैंने लेस लेकर कॉर्नर बना दिया, कॉर्नर में ज़्यादा मतलब टफ नहीं है, बस थोड़ा सा लेस को ऐसे थोड़ा सा ट्विस्ट करके और फिर उस पर मैंने पम पम रख दिया है। डेकोरेशन आप पर डिपेंड करती है, आप कैसे डेकोरेशन करना चाहते हैं। मैंने बस ज़्यादा नहीं किया, सिंपल सा किया है, मतलब मुझे ज़्यादा करना नहीं था, ये जस्ट आपको लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये सब किया है। ये देखिए बस ये मेरा हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने लीफ में पेपर्स कैसे अरेंज किए। मैंने एक एक लीफ लेती गई, और जैसे अब मेरे पास ये प्रिंटेड पेपर है तो प्रिंटेड पेपर मैंने एक में डाल दिए सारे, और मैंने उतने ही डाले जितने अच्छे से वो डल सके। अब जैसे ये फॉर्म शीट है, फॉर्म शीट मैंने डाली तो फॉर्म शीट एक में ठीक से नहीं आ रही थी तो मैंने उसके लिए 2 लीफ यूज़ कर ली। ग्लिटर शीट है, ग्लिटर शीट को भी मैंने 2 में कर लिया क्योंकि ग्लिटर शीट ये सब थोड़ी थिक होती हैं, पेपर थोड़ा पतला होता है तो वो इसलिए ये सारा हो गया। उसके बाद ये मैंने एक कलर के पेपर जो मेरे पास ज़्यादा क्वांटिटी में थे उनको एक लीफ में डाल दिया, जैसे ग्रीन मेरे पास ज़्यादा था, ऑरेंज मेरे पास ज़्यादा था, फिर मेरे वाइट पेपर था और स्टेंसिल था वो मैंने एक में डाल दिया। आई मीन जैसे कि सारी चीज़ एक में ऑर्गेनाइज हो जाएंगी तो आप कभी भी फाइल खोलेंगे तो आपको अच्छे से मिल जाएगा। ये सैंड पेपर है आपका, कार्बन है,
ओरिगेमी शीट्स हैं, इनको मैंने एक लिफ्ट में डाल दिया, तो ये सारी चीज़ मेरी एक ही जगह रेंज हो गई है। मैं पॉली बैग में रखती थी, उनको ढूंढती रहती थी, पेपर फट जाता था। ये देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन जैसे लाइक मिरर्स होते हैं, आइसक्रीम स्टिक्स होती हैं, यस ये भी सब मैंने एक लीफ में डाल दी है, जैसे कि मैं अपनी ये फाइल निकालूं और मेरा सारा सामान एक ही बार मेरे हाथ में आ जाए। कुछ डाउनलोड्स पिक्चर्स थी, उनको भी मैंने एक लीफ में डाल दिया। सारी चीज़ें इसमें नहीं आई, उसके लिए मैं एक ऑर्गेनाइज़र और बनाऊंगी। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने ये देखिए हमारा कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया। मैं जब मर्जी इसको खोलूँगी और ईजिली सारी चीज़ें मतलब अपनी निकाल सकूँगी, ये इस तरीके से। और जो मेरी ये देखें, इसको निकालने का भी तरीका बहुत अच्छा, मतलब बहुत इजीली निकल रही थी ऊपर की तरफ। ऐसे मैं खींचूंगी और मैं कुछ भी आराम से निकाल लूँगी, सब चीज़ विजिबल है, कुछ भी ऐसा नहीं है। मुझे ये भी पता रहेगा कि मेरे पास कितना सामान है कितना नहीं। अब ये देखिए मेरे पास कटिंग्स थी, कुछ एक बड़ी चीज़ें थी, तो मैं क्लियर बैग लेकर आई थी, 20-30 का ईजिली मिल जाता है। उसमें मैंने अपनी सारी कटिंग्स और जो एक्स्ट्रा बड़ी शीटें थी वो भी डाल ली। इससे मुझे पता चलता रहेगा कि भाई इतना मतलब मेरे पास जो कटिंग्स मैं फेंकती नहीं, वो मतलब मेरे पास है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा बहुत जल्दी। ओके, बाय बाय।